सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमनजोत सिंह कैंपस टीवी आप सब का बहुत स्वागत करदा। अज साडे नाल पंजाब यूनिवर्सिटी हैल्पिंग हैंड यानी कि PUHH दे फाउंडर मैंबर अमित जी और ज्योति जी आए हैं। अमित जी, की जरूरत पई नवी पार्टी बनाने की PUHH पंजाब यूनिवर्सिटी हैल्पिंग हैंड? सबसे पहले तो सभी श्रोताओं का नमस्कार PUHH फैमिली की तरफ से। हरमन जी, देखो हमारी पार्टी में जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर्स हैं वो पहले किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच रहे हैं। जैसे ज्योति जी सोई में उन्होंने एक्टिवली काम किया है, मैंने इनसो में काम किया है, जसबीर जी ने HSA में काम किया है, गौतम ने भी HSA में काम किया है, मोंटी मलोर ने इनसो के वो चेयरमैन रहे हैं। कहीं ना कहीं इन पार्टी से जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं होती और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में आउटसाइडर्स का जमावड़ा है। ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप कहते हो आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, अगर आपको अलायंस करना हो इन पार्टीज के साथ तो आप क्या अलायंस करोगे इन पार्टीज के साथ? देखो, अगर हमारी आइडियोलॉजी, हमारे बच्चे अगर किसी को ठीक लगते हैं कि भाई ये काम कर सकते हैं, हमारे पास आएंगे, हम पहले अलायंस करने किसी के पास नहीं जाएंगे, बट काउंसिल में आने के लिए अलायंस करना पड़ सकता है। ज्योति जी, गर्ल्स विंग यूनिवर्सिटी में माना जाए तो 70% गर्ल्स हैं, तो आप गर्ल्स विंग के लिए क्या करना चाहते हो? गर्ल्स के लिए मेन तो ये टीचिंग वगैरह हो रहा है, या हॉस्टल्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है लड़कियाँ, मतलब बहुत ही मेंटली डिप्रेस भी होती हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग सेल का सोचा है मैंने। सारी लड़कियों के लिए काउंसलिंग सेल होनी चाहिए, जिसमें या अगर वो डेली नहीं हो सकता तो कोई फिक्स डे करना चाहिए, जैसे संडे हो गया उस दिन वो अपनी काउंसलिंग करवा लें, या करियर रिलेटेड भी कोई काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग सेल का सोचा है, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। बेसिक नीड्स यही होती है, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन है, हाइजीन है फूड का, तो उसके लिए मैंने ये भी सोचा कि हॉस्टल्स जो हमारे हैं जितने भी, उनकी मेसेज हैं जो कैंटीन्स हैं उनके ये फूड सैंपल वगैरह चेक होने चाहिए प्रॉपरली, और मेंटेनेंस होनी चाहिए, वॉशिंग मशीन्स हैं या वॉशरूम्स हैं वो क्लीन होना चाहिए प्रॉपरली, ब्लॉकिंग वगैरह होती रहती है तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। अमित जी, आपकी पार्टी PUHH का क्या एजेंडा है? देखो, अगर हम काउंसिल में आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम है, इस यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जितने भी वॉशरूम्स हैं उनमें फीमेल स्वीपर्स नहीं हैं, तो फीमेल स्वीपर्स को रिक्रूटमेंट कराना, ये हमारा सबसे पहला काम है। दूसरा काम, मेस कैंटीन में जो फूड की क्वालिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, सभी कैंटीन, सभी हॉस्टल्स में जितनी भी कैंटीन और मेस हैं सभी की क्वालिटी वो पुअर क्वालिटी है, तो हमने उसके लिए काम करना है, ये दो काम। और तीसरा काम जो है वॉशरूम्स, आप जाओ किसी भी बॉयज़ हॉस्टल में जाके देखो, वहाँ पे ब्लॉकेज है वॉशरूम्स में, कहीं पे भी क्लीनलीनेस नहीं है, तो इन दो चीज़ों के लिए हमने। लेकिन वॉशरूम के लिए स्वीपर तो अवेलेबल है हॉस्टल में? स्वीपर अवेलेबल्स हैं बट वो सफाई नहीं होती, नहीं इतने क्लीन, आप जाके देखो एक बार। और फीस हाइक के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? जो पिछले साल फीस हाइक का मुद्दा है, सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। ऑब्वियसली हम फीस हाइक के अगेंस्ट है, बिल्कुल भी फी हाइक नहीं होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो यूनिवर्सिटी की भी एक मजबूरी है, ना तो पंजाब सरकार से ग्रांट आ रही है ना ही यूनियन गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है। ओके, और आप लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज, मेरा और ज्योति जी का, जो पूरी हेल्पिंग हैंड की तरफ से ये मैसेज है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो वोटिंग की पोलिंग है वो बहुत कम होती है, सबसे पहले तो वोट डालने आओ, उसके बाद देखो कौन डिजर्विंग है, कौन आपके काम करा सकता है, हवाबाजों को वोट मत दो, काम कराने वाले कैंडिडेट्स को वोट दो। धन्यवाद। थैंक यू जी। PUHH के फाउंडर मेंबर अमित जी और ज्योति जी।